व्हाट्सअप गाइस, सो गाइस पिछली वीडियो में देखा था किस तरह से हम पेजेस ऐड करते हैं अपने ऐप के अंदर, किस तरह से हम सर्च क्वेरी करते हैं, कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं। सारी चीज हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर ली थी विद बैकएंड और फ्रंट एंड के साथ। आज की वीडियो में बात करेंगे हम ऑर्डर्स पेज के बारे में, देखेंगे किस तरह से हम ऑर्डर्स पेज को क्रिएट करते हैं, कैसे हम डेटा सेव करते हैं बैकएंड में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। सो अभी हमारा ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है, जिसमें हमारा पेजेस जो हमने पिछली वीडियो में ऐड किया था वो बखूबी काम कर रहा है। अगर हम कोई सर्च रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस यूआर की बेस पे अपने ऑर्डर्स को क्रिएट करना है एंड डेटा सेव करना है। तो हम सेम यूआई यूज करेंगे जो हमने यूएस के लिए किया है। इसमें क्या करना है, हमें ऑर्डर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। बट इसमें टास्क है, टास्क ये कि यूजर के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। यूजर सर्च भी होना चाहिए कि हमारे पास कितने यूजर्स हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ से ब्रेड क्रम्स लेते हैं, यानी कि ये वाला पेज। सो अपने आते हैं ऑर्डर्स पेज में, विच इज दैट। सो ये हमारा यूजर्स, ये हमारा ऑर्डर्स, ठीक है। आपको पूरा सोर्स कोड गिटहब से मिल जाएगा, तो प्लीज वहां से पिक कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या यूज किया है। पहले था इंडेक्स डॉट टी एस एक्स जो हमने एक फोल्डर के अंदर क्रिएट किया, एंड उसके अंदर कंपोनेंट क्रिएट किए जो हमारे अलग अलग है, जैसे कि कार्ड मॉडल हो गया, अपडेट हो गया, अपडेट मॉडल, यानी तीन मॉडल्स, तो इनको देखेंगे। बट अभी क्या करते हैं, ब्रेड क्रम्स लेते हैं यहाँ से, यानी कि ये वाला सी। सो मैंने कॉपी किया एंड सेम पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। सो मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट, एंड ये हमारा क्या है, ऑर्डर्स, और इसका नाम क्या है, ऑर्डर्स, ठीक है। ये हमारा बेसिकली हमने खुद क्रिएट किया था, कस्टम कंपोनेंट था, कोई भी ये बिल्ट इन नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब मुझे करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्च बार भी लाना है, एक एड रिकॉर्ड भी करना है, और कुछ इस तरह से टेबल भी लानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ये वाला सीन लेके आते हैं, एड वाला और सर्च वाला। सो करते हैं इस काम को फास्ट। इसके लिए करूँगा मैं ये वाला टेबल ले लूंगा जो ऊपर है, एक ये और एक नीचे वाला भी, ये दोनों भी करूंगा एंड पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ बोलेगा एरर्स, तो इसको रिजोल्व करने के लिए करते हैं, यहाँ जितने भी इम्पोर्ट्स हैं उनको ले लेते हैं, और जो यूज नहीं आएगा उसको हम बाद में रिमूव कर देंगे, बट अभी के लिए सब ले लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या करता हूँ, यहाँ से स्टेट्स भी लेता हूँ, जैसे कि ये वाली स्टेट्स जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एरर जा चुका है, बट ये बोल रहा है ऑन सबमिट के लिए, तो इसको अभी के लिए रिमूव कर दे, बिकॉज अभी हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक फंक्शन देता हूँ अभी के लिए, और इसको बाद में टैग आउट कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा देखते हैं कैसे लगता है, और यहाँ कुछ एरर दे रहा है, तो उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, एक कंपोनेंट वाला एंड ये वाले। तो कंपोनेंट हमारे पास है नहीं अभी, ठीक है। ये वाला तो हमारा बेसिक कंपोनेंट था, तो इसको रख लेते हैं एंड सेम, बस देखते हैं क्या लगता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आ चुका है, जो काफ़ी कूल लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने पर एक मॉडल ओपन कराना है, जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर का डेटा रिकॉर्ड करके। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा कंपोनेंट्स नाम से, जो इस ऑर्डर्स के लिए काम आएंगे। और हमने देखा था किस तरीके से हम मॉडल्स का यूज करते हैं, हमने इनमें भी यूज किया था, तो वही सेम यूज करने वाले हैं। अब वो क्या होगा, एड ऑर्डर वाला डॉट मॉडल डॉट टी एस, ठीक है। और टी एस एस लगाना जरूरी है, बिकॉज आप इसमें एग्जाम्पल लिख रहे हो, यानी कि टी एग्जाम्पल, टेस्ट एग्जाम्पल, सो लिख लेना इस चीज को, ठीक है। मैं लिखूंगा क्या, मॉडल, इस तरीके से ये लिख दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ लाते हैं, जैसे कि यहीं से ले लेते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ से अपडेट मॉडल, नहीं ये वाला मॉडल। इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ मॉडल चाहिए ये वाला, ठीक है, ओके कूल। एंड देन सेम ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनको चेंज करके, ऐसा नहीं सब कुछ ये रखना, सब चेंज होगा अभी, ठीक है, सब कुछ चेंज करेंगे एंड सेम ये वही काम चाहिए उनको, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपने ना ये भी लाना पड़ेगा स्टेट्स, ये भी ले लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है, ये सब कुछ आ चुका है, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट सारे हो चुके हैं। यहाँ पर दो दो हुए, तो इनको रिमूव करते हैं, इससे एक रहेगा, और ये हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। अब इस मॉडल को हमें यूज़ करना है, तो यूज़ करने का तरीका सेम है, तो यहाँ क्या स्टेट्स हमने यूज़ की हुई है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला पेज रिमूव करता हूँ, ये वाला, ठीक है। मुझे क्या करना, सबसे पहले बटन में क्लिक करना है, तो विजिबल को ट्रू करना है। अब विजिबल ट्रू तो होगा, बट वो किस वाला, वो इस वाला, ये जो ऐड ऑर्डर है उसको हम विजिबल और सेट वेरिएबल की स्टेट्स पास करेंगे, वही क्या, और ऐड ऑर्डर मॉडल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, विजिबल और सेट वेरिएबल को पास करते हैं कुछ इस तरीके से। सो मैं कॉपी करूंगा इनको एंड पेस्ट कर दूंगा। विजिबल की जो स्टेट है उसकी वैल्यू विजिबल होगी, और जो सेट विजिबल है वो उसकी वैल्यू सेट विजिबल होगी। मैंने टैप एनी दिया है, आप चाहो तो उनका टैप इन्फॉर्म कर सकते हो खुद से अपने तरीके से। सो मैंने सिंपल इनका टाइप एनी दे दिया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा आपने किया है। इस पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके से आ चुका है।
कस्टमाइज करते हैं चलिए। सो चलते हैं इसके पास, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। क्या करना है, मैंने फॉर्मिक इंपोर्ट किया हुआ है, तो मेक श्योर करना कि आपने फॉर्मिक ही यूज़ किया है, क्योंकि वेल्डिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको, जिससे हमारा डेटा जो सेफली फिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेडर के लिए, तो हेडर में लिखा हुआ है एड यूजर, तो इसको चेंज कर दूंगा एड ऑर्डर। सो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो चुका है, विच इज टोटली फाइन। ठीक है, अब मुझे करना है सबसे पहले इसकी साइज कुछ बड़ा करना है क्या? हाँ, कर लेते थोड़ा सा। मैं बोलता हूँ कि इसको 60% तो कर दो यार, कम से कम, क्योंकि तो ऑर्डर है तो अच्छा होना चाहिए आगे वाला। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यूजर, ठीक है, किस यूजर के अगेंस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर हम ये यूज ना करके कुछ अलग यूज करेंगे, जो हम क्या करेंगे यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, कहाँ से, प्राइम रिएक्ट से, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं फ्रेमवर्क का यहाँ पर, जो काफी मस्त है। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, सेलेक्ट बॉक्स, तो सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल की डाल दो सेलेक्ट। ठीक है, ये आ चुका है, मल्टी सेलेक्ट नहीं चाहिए, ये वाला सेलेक्ट, तो इसको लेते हैं। इसके अंदर हमें इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, विच इज टोटली गुड, लेते हैं भाई, ये आ चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ पर आना है, देखो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं चाहिए हमें, थोड़ा अच्छा चाहिए जिससे हम फिल्टर कर सकें रिकॉर्ड को, कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा नाम एडमिन तो एडमिन आ गया, कुछ इस तरीके से। तो इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अभी के लिए करते हैं डेमो, लेते हैं डेटा, जितना भी डेटा कस्टम का डेमो होगा उसको कॉपी करते हैं बस। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे अच्छी तरीके से, ये ले लिया, पेस्ट कर दिया मैंने। सेम ये फंक्शन है तो, जो कि टेम्पलेट है, ठीक है, सो इनको कॉपी कर लिया मैंने और सेम पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ टाइप मिसमैच देगा, तो इनको हम क्या रिजॉल्व कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ एनी, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट आएगा, बट मैं इसको यहाँ पर स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि हम फॉर्म यूज करें तो फॉर्म की स्टेट के अंदर ही यूज करेंगे उसको भी हम। ठीक है, बट मैंने अभी एन दे दिया सर, ये बोल रहा है कैन नॉट यूज फाइंड यू स्टेट, तो इसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ऑप्शन दे रखा है तो इनको भी एन देते हैं, ठीक है, आएगा सामने स्ट्रिंग ही, बट एन ही देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एनी के लिए, और सेम फॉर दैट यहाँ पर भी। ठीक है, ये हो चुका है हमारा, अब यहाँ पे कहीं एरर दे रहा है क्या, नहीं एरर नहीं दे रहा। अब मुझे करना है इसको यूज करना है, जस्ट ड्रॉप डाउन को कुछ इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ उसको, ठीक है, अभी के लिए, और ये हमने पेस्ट कर दिया, लेट्स सी कैसे दिख रहा है। सो देखो अभी तो चिमपैड नहीं पड़ा, एक काम करना पड़ेगा, रिफ्रेश करते हैं, ये मैंने रिफ्रेश नहीं किया अभी, अभी कुछ चिमपैड नहीं पड़ा, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, और ये शायद ऐड भी करेगा, कंपाइल करेगा। ठीक है, इसको करने देते हैं, तब तक और देखते हैं, जैसे कि ये हमारा हो ही जाएगा, ये हमें पता ही है, यूजर्स आ जाएगा और ये ड्रॉपडाउन लिस्ट होगा। ठीक है, एंड इसके बाद आता है ईमेल, ईमेल कोई काम नहीं है, बिकॉज ईमेल का इसमें कोई सिस्टम है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चाहे तो करंट लगा सकते हैं, सो अभी देखते हैं, तो कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं चाहूँ तो सर्च कर सकता हूँ, जब कंट्री आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पर, देखो जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया सर्च कर सकता हूँ। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर मिलता है आपको एक प्लेस होल्डर, मिलता हूँ प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी मिलती है, जिसमें हमें बोलना है कि भाई एंटर सर्च यूजर, सॉरी नॉट एंटर सर्च यूजर, प्लेस होल्डर क्या है, सर्च यूजर बाय नेम। ठीक है, नेम के द्वारा ही होगा, क्योंकि हमारे पास नेम ही स्टोर्ड अभी तो। ठीक है, और तुम चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हो, बट मैं नेम के हिसाब से कर दिया इसको, और एक कंट्री नहीं होगा, सर्च यूजर होगा। ठीक है, अभी बोलो कि दो दो किस लिए, देखो ये वाला जो है ये आपका इनपुट बॉक्स के लिए है, और ये वाला कौन सा, ये वाला आपको यहाँ शो हो रहा है, विच इज दैट। ठीक है, अब मैं अगर मैं इसको हटाऊंगा, देखो यहाँ पे देख रहा है सर्च यूजर बाय नेम। अब तुम बोलोगे यार ये थोड़ा बुरा लग रहा है ना, इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं, तो ठीक है इसको भी करते हैं। अब इसके लिए करते हैं जो हमारी ग्लोबल सी एस एस है, विच इज इंडेक्स डॉट सी एस एस, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो इसके लिए चाहिए वो मैं क्लास नेम, चलते हैं स्पेक पे और थोड़ा क्लास नेम को छानबीन करते हैं इसकी। सो चलते हैं भाई, ये आ जाओ, इसको एक्सपेंड करूंगा मैं, इसी क्लास नेम कैरी करूंगा, विच इज दैट, तो ये वाला सबसे पहले लेता हूँ मैं इस वाली को, विच इज ड्रॉप डाउन कंटेनर, जिससे हमें पूरा पाथ मिल जाएगा, ये वाला मिल गया। इसके बाद मैं कोई भी क्लास लेट कर लेता हूँ, विच इज दैट फिल्टर वाली, ये कर लिया मैंने। इसके अंदर क्या बोला है, अप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर टेलमेंट यूज करने वाला, टेलमेंट जैसे कि आउटलाइन को मैं कर दूंगा, ठीक है, पी एक्स को 4 कर दूंगा, पी वाई को मैं 3 कर दूंगा, थोड़ा बड़ा लगेगा, और बॉर्डर को मैं 1 कर दूंगा, और बॉर्डर को ब्लैक कर दूंगा। वैसे बॉर्डर आप चाहो तो लगा लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। अभी बोल रहे हैं भाई अप्लाई का कोई सिस्टम तो है नहीं, तो मैं क्या कर दिया। सो देखो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अप्लाई, और वैसे हमारा काम तो होना चाहिए था, बट ये बोल रहा है अननोन, वाई, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, अप्लाई काम नहीं कर रहा, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं इसको, पहले करता हूँ
कस्टम ले लेते हैं जब तक, जैसे कि आउटलाइन रन, ठीक है, पैडिंग ले लेते हैं, जैसे कि अगल बगल से लेना है, पहले तो टॉप से होती है, टॉप से ले लेते हैं हम कम से कम 5 पीस लेते हैं, और अगल बगल से 10 पीएक्स या 15 पीएक्स लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर जो 1 पीएक्स होगा सॉलिड होगा और ब्लैक होगा, ठीक है, काम सेम ही किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, सो देखो आ चुका ना ये अच्छी तरीके से। अभी बोलोगे रिंग आ रहा है ना, रिंग इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं यूज करने वाला था ये, बट ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, रिंग है क्या कुछ इसमें, नहीं रिंग नहीं होता, ठीक है। सो क्यों काम नहीं कर रहा भाई तू, ठीक है देखते हैं इसको। आउटलाइन ऑन कर दिया मैंने, बॉर्डर अच्छा होगा ना कर सकते, नहीं बॉर्डर रहने देते हैं। चेक करते हैं रिंग नन प्रॉपर्टी क्या कहती है, रिंग नन इन सीएसएस, ठीक है। फोकस होता है बेसिकली, तो फोकस में आउटलाइन जो होता है, सो बेसिकली मैं करूँगा कॉपी करूँगा इसको, फोकस इसमें क्या करूँगा आउटलाइन को नन कर दूंगा। एक काम करेगा, रिफ्रेश करते हैं एक बार, और ये बॉर्डर काफी बुरा लग रहा है, सो इसको पहले रिमूव करूंगा अभी, ठीक है। तो एक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए था बट नहीं हुआ, बड़े टेलमेंट हो गया था, बट टेलमेंट की कोई डायरेक्ट क्लास नहीं है डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर सके। देखो ये दिखा हुआ ना कि आप फोकस ना करते हो, वही किया मैंने तो, बट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। इसको अभी के लिए गोली मारते हैं और उसको बाद में ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके कूल, तो अब इसका क्या करना है मेरे को, पहले तो थोड़ा इसको बड़ा करना है, जैसे कि मैं इसको आपको 15 करके देखता हूँ, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, तो इसको 5 डाल देते हैं। और मैं करता हूँ जो बॉर्डर है इसको मैं 1 पीस करता हूँ, बट इसको मैं करता हूँ 0.3, और इसको थोड़ा सा ट्रिपली कुछ इस तरीके से करेगा, जैसे कि यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी बारी जो हमारा यूजर वाला है, और इसके लिए आया हुआ जो हमारी एक क्लास नेम है, विच इज दैट, कहाँ है भाई, फील्ड वाली क्लास नेम, यहाँ पर ये वाली कॉपी करेंगे और इनको डाल दूंगा मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में, जहाँ पर क्लास नेम लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब चेक करता हूँ इसको, सो देखो ये आ चुका है भाई, काफी बड़ा है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि हम कैसे करेंगे छोटा, जो हमारा एम वाई लिखा हुआ है पी वाई, इसको हम 0 कर लेते हैं, बिकॉज इसके पास खुद की पैडिंग है, तो बोल रहा है भाई पैडिंग मेरे पास खुद की है, तो अपनी खुद खर्च मत करो कुछ भी, ठीक है। तो मैंने कर दिया और ये काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम करते हैं आउटलाइन एन कर दिया, रिंग को भी एन कर लेते हैं, ठीक है, ये हो चुका है। सो और चेक करते हैं रिंग नाम से कुछ है कि नहीं, नहीं है, रिंग 0, हाँ रिंग 0 काम करता है इसमें, ठीक है। ओके ये हो गया, क्या करना है मेरे को, यहाँ पर इस मान लो सर्च किया मैंने, ये आ चुका है, इस करूँगा ये होगा, कुछ और करूँगा तो सर्च हो जाएगा। अब सबसे पहले कुछ और कस्टमाइज करते हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, नो रिजल्ट फाउंड की जगह क्या चाहिए, नो यूजर फाउंड, कुछ इस तरह से आना चाहिए। सो उसके लिए करेंगे यहाँ पर आएंगे और देंगे जैसे कि एम्प्टी फिल्टर मैसेज, वो क्या होगा कि मान लो भाई के हम बोल देंगे नो यूजर फाउंड, ठीक है, ये हो गया यूजर फाउंड का सिस्टम, नो यूजर फाउंड ये आ गया, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास इसमें डेटा नहीं होता, अज्यूम करो कि ये डेटा जो है मैंने गायब कर दिया, कुछ है ही नहीं इसमें, तो इस टाइम कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, नो एवेलेबल ऑप्शन आ रहा है ना, इसके लिए बोलेंगे नो यूजर, यहाँ पर देते हैं कुछ मिल जाता है, एम्प्टी मैसेज व्हिच इज यू हैव नो यूजर्स, ठीक कुछ इस तरीके से ये आ गया ना, यू हैव नो यूजर्स, ठीक है। ओके कूल, ये हो चुका है हमारा। अब मैं डेटा वापस लेता हूँ, और डेटा पे से हमारा ऐसा नहीं आएगा, डेटा हम थोड़ा अच्छे फॉर्मेट लाएंगे, ठीक है, ये तो हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आ गया ना, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, ये हमारा तो ये वाला होगा ड्रॉप डाउन वाला, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं यूजर, पहले तो नेम नहीं होगा, यहाँ पर होगा यूजर और सेम यूजर, बेसिकली इसे कोई इम्पोर्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि इसमें कोई चेंजेस हुआ तो इसमें कोई डिटेक्ट होगा, क्योंकि तो ये रियल टाइम नहीं होगा, अगर हम फील्ड यूज करते तो ये रियल टाइम बन जाता कि ये चेक करता कि भाई अगर कोई दिक्कत है, कोई एरर आ रहा है तो इसको चेक करता है, वैसा नहीं करेगा, जब सेलेक्ट होगा, जब सबमिट करेंगे तब ये एरर शो करेगा, उसे पहले शो नहीं करेगा ये, ठीक है, विच इज टोटली फाइन हमारे लिए, तो काम ही अच्छा हो रहा है भाई। तो अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर आना है, ई मेल नहीं करना, ई मेल को तो हम गोली मारते हैं अभी के लिए, ठीक है, ई मेल नहीं करना, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी नहीं करना,
यहाँ पर करंट लाने बिल, तो किस तारीख को उसने ऑर्डर, नहीं तारीख सही है भाई, वो तो हमें मिल जाएगी कहाँ से, अपने मोंगो डीबी से, तो उसको भी हम रहने देते हैं। डीओ भी हमारे पास ऑलरेडी है, ये मिल जाएगा। एड्रेस भी रहने देते हैं क्योंकि ये नहीं चाहिए। अब यहाँ से यूजर हो गया, अब इसके बाद उसने क्या क्या परचेज किया, उसके पास क्या क्या आइटम्स था जो उसने परचेज किया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, अपने एरे यूज करेंगे किसका, फॉर्मिक का। थोड़ा तो टफ टास्क है बट करते हैं, ठीक है। जितना टफ होगा उतना ही मजा आएगा उसको करने में। मैं इसे करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और बोलता हूँ आइटम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा आइटम्स, और इसको मैं इसको देता हूँ आइटम्स, किस यूनिट ने कितना आइटम कैरी किया वो वाला, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर फॉर्मिक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैं करता हूँ फॉर्मिक एरे एंड यप, यहाँ पर देखते हैं कुछ मिल जाए तो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मिला हुआ है इनिशियल वैल्यूज, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि उस पर क्लिक करने पर भी एक एरे देखते हैं कुछ मिलता, तो ये नहीं चाहिए। एंड देखो ये कुछ इस तरीके का, अगर मैं क्लिक करूँ भाई मुझे और ऑर्डर क्रिएट करना है, उसको देखना है कि उसने क्या क्या सामान लिया, तो उसका, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है ये। हम इसको देखने वाले हैं, बट इसको देखते हैं कैसे होता है, ये वाला नहीं। अब देखते हैं और मिल जाए तो कुछ, इसको रिमूव करता हूँ। ये रहा फील्ड एरे, इसका नाम कंपोनेंट नाम होता है फील्ड एरे, ठीक है, कुछ इस तरह से काम करता है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये से कॉपी करेंगे इसको, फील्ड एरे कहाँ है भाई, ये रहा देखते हैं। चलो यहाँ पे लिखा मैंने फील्ड FIELD एरे, ठीक है, फील्ड एरे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करते हैं यहाँ से अपने यहाँ से, ठीक है। चेक करते हैं है अवेलेबल है कि नहीं, सो ये अवेलेबल तो होना चाहिए, बट ये बोल रहा फिलहाल, ठीक है, बोल रहा है ये है इसके पास फील्ड एरे जिसके अंदर मुझे कुछ ऑप्शंस पास करने, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा मेरे को, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ से। देखो यहाँ से मिल रहा है फॉर्म मिल रहा है, हैंडल इंसर्ट मिल रहा है, हैंडल रिमूव मिल रहा है, पॉप मिल रहा है, पुश मिल रहा है, रिमूव मिल रहा है, ये सारे हमें चीज़ें मिल रही हैं जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखता हूँ कैसे लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें मैप करना है। अब मैप कैसे होगा, जो वैल्यूज है उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कितना डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मेट को भी सेटअप करते हैं फर्स्ट, जैसे कि ये वाला। यहाँ से मैंने क्या किया, एक यूजर ले लिया जो क्या है बेसिकली एक नल है, या फिर एक काम करते हैं उसको स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। मैं ज़ूम करता हूँ, यूजर होगा वहाँ पर स्ट्रिंग होगा। इसी के साथ क्या करना है मेरे को, यहाँ पर क्या करना है, आइटम्स लेना है। तो आइटम्स क्या होगा, एक एरे होगा जिसका मैं टाइप डिफाइन करूंगा, बट अभी डिफाइन नहीं किया मैंने। और मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर ना कुछ चीज़ें मैं लेता हूँ, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट दे दिया जो क्या होगा डिफॉल्ट में, और देखा मैं क्या कि इसने कैसे कर रखा है। तो इसने कर रखा कि भाई इसने ना इनिशियल वैल्यूज कर रखी है फ्रेंड्स नाम से और कुछ इस तरीके से, बट मेरे को तो आइटम्स का पूरा वो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए करूंगा मैं, ये बोलूंगा यहाँ पर कि भाई एक तो उसका कि आइटम कौन सा लिया, तो आइटम का नेम, ठीक है, जो स्ट्रिंग होगा, एक सेम प्राइस, और वो भी क्या होगा नंबर होगा, बट हम उसका स्ट्रिंग मान लेते हैं क्योंकि हम इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं नंबर पार्स कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिंपल इसको रख दिया हमने, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज में आइटम्स हो गया, और ये सेम काम करेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँ, यूजर होगा, और मैं इसके लिए करता हूँ आइटम्स लेता हूँ, बट इसको मैं बाद में वैलिडेट करूँगा, अभी नहीं वैलिडेट कर रहा, ठीक है। इसको थोड़ा वैलिड वैलिडेट कर देंगे, यहाँ पर सेम काम हो जाएगा। और इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं इग्नोर करता हूँ, सेम इनको भी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्या यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर करते हैं कंसोल का क्या आ रहा है ई, ठीक है। तो ये होगा हमारा यहाँ से। अब देखते हैं भाई इसका क्या माजरा है, इसका बोलना है हमें कि भाई सुनो, देखने तो कैसे करते हैं। फील्ड एरे ले लिया, तो मैं इसके अंदर क्या करना, रेंडर मेथड कुछ है इसमें, बट रेंडर नहीं करना क्योंकि हमें मिल जाएगा यहीं से। हमें यह करना है, यहाँ से बोलना है कि कुछ इस तरीके से, एक मैंने ये ले लिया जो हमारा, ठीक है, बोल रहा है कि नेम मिसिंग, तो नेम लेना पड़ेगा इसका, तो नेम लेते हैं इसको। तो नेम क्या हमारा, आइटम्स, विच इज ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला आइटम्स, ये मैंने इसमें पास कर दिया। अब बोल रहा है भाई नेम प्रॉपर्टी तुमने डाल दी है, ठीक है, अब मेरा काम हो चुका है, तुम एक काम करो, अब तुम अपना जो करना तुम वो करो। तो बोल रहा हूँ सिंपल सी बात, देख सुन भाई, जो हमारा ठीक है वैल्यूज, वैल्यूज कहाँ से आएगा, तो ये वैल्यूज यहाँ से आएगा, ये वाला वैल्यूज, इसके अंदर बोलना है मेरे को वैल्यूज डॉट क्या
आइटम्स डॉट मैप, ठीक है, मैप ही तो करना है हमें, जितने रिकॉर्ड होंगे उस हिसाब से एक सी मिल जाएगा, एक आई मिल जाएगा, सी फॉर करंट एलिमेंट, आई फॉर इंडेक्स, ठीक है, यहाँ से मेरा काम खत्म। इसके बाद क्या करना है, मेरे को एक डिव लेना है और डिव के अंदर कुछ इस तरह से बाइंड अप करना है, ठीक है, जो भी अपना फॉर्म होगा उस तरीके से। तो मुझे बस फॉर्म डिजाइन करना है यहाँ पर, सो करता हूँ मैं इसको, फॉर्म कैसे करना है, सबसे पहले मैं ये ले लूँगा और मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, ठीक है, रिटर्न थोड़ा कॉम्प्लीट लगेगा देखने में और कुछ एरर्स भी आएंगे, अभी ऐसा नहीं एरर नहीं आएंगे, एरर भी आएंगे मेरे को, ठीक है, जल्दी से क्लास नेम दूंगा मैं और इसको की भी दूंगा, और की क्या होगा, की बेसिकली आई होगा, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं फ्लैक्स और डबल बुल बोलूंगा, पहले तो फ्लैक्स होगा, आइटम सेंट होगा, जस्टिफाई सेंट, जस्टिफाई बिटवीन होगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे करना है सबसे पहले एक डबल वन बाई टू को बनाना है, क्या आइटम नेम इनपुट, नॉट इनपुट, इनपुट लेके आया, फिर फील्ड ले, फील्ड लेते हैं, फील्ड काम चलाएगा उससे, मैंने बोल दिया फील्ड FIELD, ठीक है, बताऊंगा काम क्यों आसान रहेगा, काम इसलिए आसान रहेगा क्योंकि हम इनपुट में काम करेंगे तो ऑन चेंज इट, हेड रखना, वो करना, ये कुछ भी नहीं करेगा, अपने देख लेगा भाई क्या करना है मेरे को, ठीक है। फील्ड में भी पास करना है मेरे को, जैसे कि नेम हो गया, ये पास करने पड़ते हैं, जो नेम अभी क्या करते हैं, अभी के लिए नेम सिंपल रहने देते हैं, ठीक है, और नेम क्या हुआ कुछ इस तरीके से, और इसको कुछ क्लास नेम देना है, तो क्लास नेम मैं यहाँ से पास करता हूँ, कहाँ से करना है, याद लेते हैं मॉडल में से, और कुछ इस तरीके से क्लास नेम लिया मैंने, कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया क्लास नेम। इसमें डब्ल्यू फुल है ना, इसको हम रहने देते हैं, डब्ल्यू फुल तो करना ही है हमें, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, प्राइस के लिए। तो मैं प्लेस होल्डर डालता हूँ कि आइटम का नाम क्या है, प्लेस होल्डर एंड आइटम नेम, और ये हो गया हमारा क्या, प्राइस, ठीक है, और लेट्स चेक इट्स वर्किंग ऑन इट। वही यहाँ पे एरर आ चुका है, बोल रहा है कि भाई कैन नॉट रीपोर्ट द अनडिफाइंड मैप, ठीक है, ये मैप नहीं बोल रहा है, कौन सा वाला मैप नहीं बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, ठीक है, वैसे तो ये एरर है, एरर नहीं है, वैसे एरर है, बट इसमें नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं बोल रहा, इसको एक काम करते हैं, दो तीन रिकॉर्ड डाल देखता हूँ, यहाँ भी सेम एरर है, नहीं अब तो थोड़ा सही हो गया, देखो यहाँ कुछ इस तरह से आ चुका है, और मैं मैप के लिए कंडीशन लगाना चाहूँगा, कंडीशन ये होगी भाई सुनो, अगर उसके अंदर लेंथ जो है वो ग्रेटर देन वन होती है तभी ये अपना रंग दिखाए, उससे पहले नहीं दिखाए। एग्जांपल के लिए अभी तक ये खुल ही रहा था ना, तो अगर मान लो मैं इसमें एक रिकॉर्ड करता हूँ, ये कर दिया मैंने, और मान लो दोबारा करता हूँ, तो यहाँ पर ये दिखेगा नहीं, मतलब ये कि एरर नहीं देगा, बस सिंपल सी बात है, एरर हैंडलिंग कर दिया आपसे, ये कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ये खोल देगा कुछ इस तरीके से, ये आगे इसको कस्टमाइज करते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले आइटम को ऐड करना था, तो एक बटन भी लगाना पड़ेगा मेरे को, उससे पहले मैं इसको फ्लैक्स दूंगा, यानी गैप दूंगा बीच में, तो गैप और एक्स में कुछ फाइव देते हैं, थोड़ा चौड़ाई आ जाएगी, देखो ये आ गया, ठीक है, एंड कूल लग रहा है देखने में तो काफ़ी। और मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पर एक बटन भी होना चाहिए क्रॉस करने के लिए, रिमूव करने के लिए, पॉप करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ जाओ, और इसको क्या करूँगा, बटन बटन डॉट पी एक्स 3p/2 राउंडेड फुल कर लेते हैं, जिससे थोड़ा गोल बना जाएगा, इसको बोलता हूँ क्लियर, वैसे मैं यूज़ करूँगा आइकन का, बट अभी इसके लिए ये मैंने कर दिया, ठीक है। एक आइकन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं अपने एरिया आइकन्स में, बिकॉज ये काफ़ी मस्त लाइब्रेरी है अभी के लिए तो, और यहाँ सर्च करते हैं क्या, और ट्रैश का, ट्रैश ट्रैश मिल जाओ भाई, कौन सा गोल लग रहा है, ठीक है, चलो ये वाला लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा दिखता है, ये आ गया हमारा, ठीक है, ट्रैश का इसको लेते हैं, और जो क्लियर लिखा हुआ है ना, इसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ये मैंने ट्रैश ले लिया यहाँ से, और देखते हैं कैसे करना है हमें, ये आ चुका है। इसको थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि बीजी को हम ब्लैक कर सकते हैं और टेक्स्ट को हम वाइट कर सकते हैं, ये कर दिया हमारा टेक्स्ट वाइट, ठीक है, ये आ चुका है, इस पर क्लिक करोगे तो पॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। इसकी फंक्शनलिटी हम लगाएंगे, अभी नहीं लगा रहे, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि अभी काम कैसे करेगा, ठीक है, वैसे हमने ये खोला था, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। देखो ये कुछ इस तरीके से था कि अगर मान लो हम माइनस करते हैं, माइनस था, देखते हैं कैसे किया उन्होंने इंडेक्स डॉट जी एस में, देखो इनिशियल वैल्यूज था जो हमने सेम काम किया, कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है, और हमें यह करना है यब का वैल्यूशन लगा रखा है इन्होंने, और कुछ इस किस्म एरे क्रिएट करना है, एरे की ना शेप देनी है उसकी, ठीक है, तो ये काम भी कर लेंगे हम, एंड सेम काम इसमें करना है,
तो हमने रेंट मेथड यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट उसका चिल्ड्रन पास कर दिया जो हमारे लिए काफी मस्त चीज रही, ठीक है उसको भी देख लेंगे। एक ही हमने, अब देखो जैसे नेम दे रहे, नेम में क्या करना, हमें जो आइटम्स था आइटम्स का इंडेक्स पास करना है, और उसका तुम्हारा जो प्रॉपर्टी का नेम है ना कुछ इस तरह से पास करना है, विच इज टोटली फाइन, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले पास करते हैं मैं आइटम के नेम का। सो हाँ भाई आइटम नेम देखो ये रहा, इसमें हमें नेम पास किया था ना, उसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, और नेम क्या था आइटम्स के अंदर इंडेक्स डॉट नेम, और इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, जो हम अपने मैप से ला रहे हैं, मैप कौन सा, ये वाला मैप, ठीक है। और मैं कुछ इस तरह से इसको पास कर सकता हूँ लाइक दिस, आइटम्स डॉट नॉट दिस, इस तरीके से, और वो क्या होगा इंडेक्स और इसका नेम, सही है ना, आई हो गया, आई का नेम ये हो गया, और सेम फॉर दिस, ये क्या होगा प्राइस, ठीक है पी आर आई सी, ये प्राइस हो गया। इनकी एरर भी लेते हैं, किसे एरर देना है, और एरर के लिए करूँगा मैं यूज करूँगा इन वाले कंपोनेंट्स में, बिकॉज हमने डिजाइन कर रखा पहले से। और इसमें क्या होगा, जो भी हमारा आइटम का एरर है उसको ही शो करेगा, आइटम्स डॉट आई फॉर नेम और सेम फॉर आइटम्स डॉट आई फॉर प्राइस, ठीक है ये हो जाएगा प्राइस। ओके कूल, तो ये प्राइस का हो गया। अब मुझे करना है जैसे ऐड यूज किया, तो मतलब एक और फील्ड ऐड करनी है, तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि ऐड के लिए उन्होंने क्या किया है। तो ऐड के लिए इन्होंने जैसे देखो ये किया है कि ऐड पे क्या करना है, जो अपना पुश था इसके अंदर कुछ मिल जाएगा हमें, जो मेथड होगा उसको पुश करना है मेरे को, और जैसे हमें पुश मेथड मिल रहा था पूरा डायरेक्ट, तो वही देखना है मेरे को। चलो देखते हैं, सबसे पहले आऊंगा किस पर, एक बटन क्रिएट करूंगा, बटन कहाँ क्रिएट करना है पहले ये देखते हैं। जैसे सोचते हैं हम बटन्स को कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, हम आइटम के बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना, या फिर एक काम कर सकते हैं यहाँ पर एंड में कर सकते हैं नीचे, चलो एंड में देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं शुरू में लगा देखते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जैसे करना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, MB3 लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ बटन ऐड, कुछ इस तरीके से देखता हूँ ये मिल गया, और मैं करता हूँ क्या, अभी के लिए तो सिंपल रखते हैं, क्लास दे दिया मैंने कुछ, इसको दे दिया फ्लैक्स और जस्टिफाई एंड, जस्टिफाई एंड, ठीक है ये हो गया हमारा। इसको दे दिया मैंने क्या बीजी, और हमारा कुछ कलर का नाम था ना, इंडिगो था शायद, इंडिगो थीम का 500 PX4PY2 और राउंडेड MD, ये हो गया हमारा एंड पुश, जब इंडिगो नहीं था पर्पल था बेसिकली, ठीक है। और इसको टेक्स्ट को वाइट कर दूंगा, ठीक है ये टेक्स्ट आ चुका है, इस पर क्लिक करूंगा, मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए करना है जो हमारा, अच्छा अगर ये मुझे काम करना हो ना, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, इसको मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा, कहाँ पर देखो यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है तभी काम करेगा, नहीं उससे पहले काम ही नहीं करेगा, क्योंकि तो मुझे इसका हेल्पर एक्सेस करना है इस वजह से। सो मुझे इसको करना पड़ेगा, इस फील्ड एरे के अंदर कुछ इस तरह से डाल देना है, ठीक है डल गया। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को करना है क्या सिंपल सा, कि इसके अंदर से पहले आना पुश मेथड, ठीक है ऑन क्लिक पर पुश करना, और पुश में पास करना, पुश में पास करना एक आइटम का नेम स्ट्रिंग, एक प्राइस विच इज स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा अभी के लिए हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 4 5, इस पर क्लिक करूंगा 6 जन चीज, तो क्या 6 हो गए, 1 2 3 4 5 है जिस टोटली वन, ठीक है मैं कितने भी कर सकता हूँ, और बाय डिफॉल्ट में 5 है बस, डिफॉल्ट तो 5 है। इसके लिए क्या करता हूँ, जो डिफॉल्ट वाले फील्ड्स हैं इनको मैं रिमूव करता हूँ, कुछ गोली मार देते हैं इनको, अगर गोली मार रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, ये कर दिया हमने, ठीक है। अभी देखो मैं ऐड करूंगा, तो यह बोल रहा है आइटम इस हो गया, तो हो गया मतलब कुछ एरर है, अभी अभी कुछ एरर है इसमें, जैसे मान लो मैं क्लिक कर रहा हूँ एक पे, तो ये बोल रहा है कि नेम इज रिक्वायर्ड, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा है, एक रख लेते हैं, चलो एक तो रख लेते हैं, अभी भी काम नहीं किया हुआ। ओके इसलिए काम नहीं किया क्योंकि हमने इसको लेस देन वन नहीं करना, ग्रेटर देन वन, इसको ग्रेटर देन जीरो करना, तभी ये अच्छा दिखेगा, ठीक है अब क्लिक किया ना तब तो दिखेगा। और तुम चाहो ना इसको ना पहले बटन को ना सबमिट मत करो, बटन को टैप तो टैप दो, जैसे कि भाई बटन ना तुम्हारा टैप है क्या, वो भी है बटन टैप का, जैसे सबमिट कर रहा है ना बार बार, तो बटन सबमिट नहीं होगा, ये टाइप रहेगा। देखो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना अभी वो नहीं आया, तो ये हो चुका है। और मैं चाहूँ तो इस प्रॉपर्टी को रिमूव करते हैं अब, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए मैंने क्लिक किया, ये आ चुका है आइटम नेम और देश, ठीक है। और इस पर क्लिक करें तो हमें क्या बोलना, ये नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है, तो पहले भाई इसको भी सही करना पड़ेगा। चलो करते हैं, कैसे करना है हमें, यहाँ पर हमें करना है जो हमारा ये था, इसका हमें टैग देना पड़ेगा विच इज बटन, ये हो गया। अब इस पर ऑन क्लिक करना है बिकॉज मुझे इसको रिमूव करना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे मिलेगा पॉप मेथड, क्या मिलता है पॉप मिलता है, देखते हैं क्या मिलता है। सो पॉप मिल रहा है, बट इसको देखना पड़ेगा कि इसको यूज कैसे करना है। पॉप तो मिल गया, अच्छी बात है, बट यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखो इनके पास। सो चेक करते हैं कि इन्होंने क्या है रिमूव किया इंडेक्स के थ्रू, यानी कि हमें रिमूव करना है मेथड, क्या इसमें रिमूव है, हाँ रिमूव है, देखते हैं। आप रिमूव को यूज करते हैं और इंडेक्स को यहाँ पर डाल देना है, ये रिमूव हो गया। इसमें हमें इंडेक्स पास करनी है और इंडेक्स क्या हुआ आई यू, ठीक है। देखते हैं क्या काम कर रहा, नहीं कर रहा, इस पर क्लिक किया तो ये काम तो कर रहा है। मान लो देखो मैंने आइटम लिख दिया, ये वाला डिलीट होना चाहिए, ये वाला डिलीट होना चाहिए, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। तो हमारा एरे सक्सेसफुली काम कर चुका है। अब मुझे इसमें डेटा ऐड करना है, जो प्राइस हुआ प्राइस आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना टैप देते हैं, मुझे इस नंबर टैप, इसको प्राइस वाले वो नंबर, तो ये हमने नंबर दे दिया। अगर हम इसमें कुछ ऐड करते हैं, हाँ ये काम करेगा, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। ओके बोल, अब इसको देखते हैं कि काम करा नहीं कर, पेमेंट डाल दिए। सो क्या कंसोल लॉग हुआ, कंसोल लॉग तो नहीं हुआ, बाकी लगभग हमें एरर्स दिख रहे हैं काफ़ी सारे। सो इन एरर्स को क्या एरर्स, ये बोल रहा है अनडिफाइंड मैप के, यानी कि हम रिफ्रेश करके रोड जाएंगे, ठीक है, तो ये भी ठीक है, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा फिलहाल। फिलहाल बोल रहा है कि भाई आपने ना नेम नहीं दिया, नेम तो है ही नहीं हमारे पास, नेम कहाँ से देंगे। ओके हमने ना पहले तो डेटा सेव नहीं किया, पहले तो किसी भी चीज़ में डेटा सेव ही नहीं किया। सो हमें ये भी करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर इसमें ड्रॉप डाउन, इसमें जो ऑन चेंज है ना ये वाला, इसको हमें सेट फील्ड वाली पे रिमूव करना है। इसके अंदर पास करना है क्या, पहले तो किस फील्ड के लिए हम ये काम कर, यूजर के लिए। इसके बाद डेटा किस में आ रहा है, यूजर डॉट वैल्यू डॉट नेम में, शायद अगर मैं आपको दिखाऊं कि नेम कहाँ से आ रहा है, नेम ये वाला विच इज योर नेम, देखो ये वाला। बट हम इसको कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, बट अभी हमें दे दिया, मान लो दे दिया मैंने पास कर दिया, तो देखता हूँ तो अभी सेम आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं एक बार, चलो ये मैंने कर दिया रिफ्रेश, हार्ड रिफ्रेश एक बार, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट कर दिया ये पास किया मैंने, ओके कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। और इसका रीज़न ये है कि हमें ना इसमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और चेंज ये करना है कि इसको मैं नल देता हूँ, ठीक है, पता हूँ नल क्यों दे रहा हूँ। और इस फॉर्मेट वाले को भी रिमूव कर दें, ठीक है। और इसमें क्या करना है, मेरे को यहाँ पर जो वैल्यू नेम लिखा हुआ है इसको हमें वैल्यू देना है, क्योंकि देखो पता होगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया ना ये वाले फील्ड, जो टेम्पलेट्स हैं, कौन से वाले टेम्पलेट्स, ये वाले टेम्पलेट्स, इनके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और जो डेटा यहाँ दिखता है ना तुम्हें ये वाला, ये भी इनकी मदद से दिखता है, ठीक है। इस वजह से अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, अब आते हैं, ठीक है, अभी काम नहीं कर रहा करने को, तो ओके एक बार एक काम करते हैं, इनको लॉक करके देखते हैं फिर। तो वैसे हमने काम तो सही किया है, बट यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है क्या, वैल्यू कुछ है क्या, वैल्यूज दे रहा हो शायद, मे भी वैल्यूज वाला है, क्योंकि तो हमने वैल्यू भी पुट नहीं किया था, वही वाला वैल्यू। इसमें मुझे कुछ पुट करना क्या, वैल्यूज डॉट यूज, अच्छा कहीं पर एरर भी दे रहा, चलो हो गया, आ गया ना, आ गया चाइना ऑस्ट्रेलिया। आइटम ऐड करता हूँ मैं, 10 ऐड कर लिया, पहले कुछ भी ये कर दिया, तो ये आ चुका है मेरे पास डेटा। हाँ ये मेरा काम हो चुका है, अब मुझे इसके हिसाब से काम करना है। देखो ये में क्या आ रहा है, कोड आ रहा है और नेम आ रहा है, मुझे इसकी जगह क्या करना है, ओनली योर का आईडी पास करना है और उसका नेम पास करना है, ठीक है। सो पहले क्या करते हैं, एक एपीआई क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली योर का डेटा लेके आएंगे, जितने भी यूजर्स इसके पास हैं। वैसे हमारे पास होने को तो ये वाली एपीआई भी है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें नेम भी मिल रहा है और इसका एक आईडी भी मिल रहा है। सो एक काम करते हैं, इस वाली एपीआई का ही यूज़ करते हैं यहाँ पर भी। सो करते कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए यूजर, और वो कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि तो मैं रजिस्टर नहीं करना है, मैं क्वेरी करना है। सो क्वेरी देखते हैं कैसे की है इन्होंने, कहाँ पर की है, इन्होंने की है यहाँ पर टेबल वाले में, तो इंडेक्स डॉट टी एस एक्स में आता हूँ मैं, देखो ये वाला यूज ऑल कस्टमर क्वेरी, तो मुझे ऑल ही चाहिए वैसे तो बाई डिफॉल्ट, बट इसको देखते हैं कैसे करना है।
कॉपी करते हैं, और बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलेगा, सॉरी इसमें क्या है, इसमें ये दिक्कत है कि इसमें हमें पेजेशन ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा, एक एपीआई क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो देखते हैं इसको, आता हूँ यहाँ पर अपने क्लाउड के अंदर और फास्ट करते हैं एपीआई को, तो बिकॉज हमें पता है कि एपीआई कैसे क्रिएट होती है, हमने पिछली वीडियोज में ये पूरा देखा हुआ है। सो इसको हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे। मैं इसके लिए करता हूँ जो गेट वाला है ना, इसको ही यूज़ करता हूँ, और इसमें क्या करूँगा, गेट फॉर सर्च, गेट सर्च, या फिर गेट, हाँ सर्च लिखते हैं, गेट सर्च, ठीक है। और क्वेरी पेज कुछ हुआ नहीं तो इसको हम रिमूव करते हैं, बिकॉज हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें गेट चाहिए, और वैलिडेशन का कोई काम है नहीं तो वैलिडेशन भी रिमूव कर दिया हमने। यहाँ पर चाहिए गेट फॉर सर्च, गेट यूजर फॉर सर्च, ठीक है। और हाँ, इसमें लॉगिन जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है, और जो लॉगिन हमने पहले कर रखा है क्योंकि हमने ग्लोबली इसमें लगा रखा है। ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये पास कर दिया, यहाँ पे कॉपी करते हैं, ये भी पेस्ट कर दिया, सेम कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी कंट्रोल बी, और इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट यूजर चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट यूजर तो चाहिए चाहिए इसमें, ये आ जाएगा यहाँ से। इसको देखते हैं अब यहाँ से क्या करना है, मेरे को यहाँ से ये भी लेना है और यहाँ से ये पास करना है, इसमें ये वाला यूज़ कर लेंगे हम, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें बस पेजेशन जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बस। सो मैं अगर वो यहाँ पर आऊँगा, इसका नाम चेंज कर दूंगा, ओनली यूजर चाहिए, क्वेरी तो है नहीं कुछ, तो क्वेरी तो रिमूव कर दिया हमने, लिमिट जो है लिमिट को रिमूव कर दो, स्किप को रिमूव कर दो, क्वेरी क्या होगा, क्वेरी बस यूजर होगा, ठीक है, इस यूजर के अगेंस्ट जितने भी डेटा है उसको तुम मुझे दे दो बस, ठीक है। इसमें चाहिए ओनली नेम चाहिए बस, और एक आईडी चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, उसका डीओबी लेते हैं, डीओबी, ठीक है, ये हो जाएगा। और काउंट का कोई काम है नहीं, ये इसका कोई काम है नहीं, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है, मतलब काफ़ी सिंपल एपीआई क्रिएट किया हमने, कोई भी हार्ड कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज़ नहीं किया हमने, ठीक है। अब आते हैं इस कंज्यूमर में, इसमें क्या था, गेट सर्च, तो चलते हैं अपने अपने यहाँ पर, और इसका नाम चेंज कर दें क्वेरी का, मैं बोलूँगा भाई रजिस्टर तो करना नहीं है, कस्टमर को मैं गेट करना है, यानी कि वाले कॉपी हो जाएगा, और हमें करना है गेट सर्च, गेट फॉर सर्च, कुछ भी रख लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मुझे क्या करना, क्वेरी रिमूव करना, और यहाँ लिखना क्या, क्या था हमारा डाउट का नाम, हमारा डाउट था गेट सर्च, ये लिख दिया हमने, ये आ चुका हमारा गेट सर्च, ठीक है। ये क्वेरी था, लोकल से टोकन भेज दिया, टोकन आपको भेजना ही है, ठीक है, ये तो मस्ट है कि आपको टोकन और कुछ चीज़ हमें लगानी लगानी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अंदर पास करते हैं क्या, यूज गेट सर्च ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर आऊंगा मैं, और यहाँ पर मुझे करना है, इसकी जगह मुझे ये लेना है, विच इज दैट, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ जो मैंने कर ही दिया, ठीक है। बस यहाँ पे एक एरर जो है, एरर क्या, लोडिंग एरर आया होगा, जो उसके लिए करूँगा मैं यहाँ पर इस लोडिंग वाले को अभी के लिए शांत कर देता हूँ, कैसे करूँगा, इसको मैं अभी के लिए प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अभी, और पड़ेगी तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, चलो ठीक है, हमने रिमूव ही कर दिया इसको, भाई तुम अभी रिमूव हो जाओ, जो हमारे लिए अच्छी बात हो। अब सबसे पहले क्या करना है, मेरे को जो लोडिंग स्टेट है उसको हैंडल करना है, पढ़ते हैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहीं से चालू करेंगे अपने कोडिंग को, विच इज यूज ये वाला, इसके कुछ पास करना नहीं है, अगर चाहो तो पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से, एक कर्ली ब्रेस देके, यहाँ से भी लेना क्या इज लोडिंग, पहले तो लोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर फैचिंग हो रहा हो, ऐसा हो सकता है फैच कर रहा हो डेटा को भी, तो फैचिंग भी लेते हैं, और एक लेते हैं डेटा जो हमें मस्ट है, ठीक है, डेटा हो गया, पहले तो लेते हैं कि अगर भाई सुनो, अगर लोडिंग या फिर इस फैचिंग को ऐसी स्टेट चल रही है तुम्हारे दिमाग में, तो पहले तो उसको क्लियर कर लो, उसके बाद ही तो हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर दे देंगे एक लोडर, तो लोडर है कि हमारे पास, देखते हैं पहले तो भाई कंपोनेंट्स नाम की कोई चीज़ है, इसके अंदर लोड रहा है, लोड रहा है, बट हमने लोड क्या अभी कस्टम बना रखा है, तो इसको हम बाद में टैकल करने वाले हैं, कि हमने पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा लोड हो जाएगा, जब ये सारे काम हो जाएंगे, लोडिंग हो जाएगा, पैचिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद ये नीचे उतर के आएगा, ठीक है। अब उतरने के बाद क्या बोलेगा, ये सबसे पहले बोलेगा भाई सुन, डेटा आ चुका है, अब इस डेटा को तू प्रिंट कर, कुछ भी कर, आई डोंट केयर, ठीक है, तो इसको क्लियर कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, जेसन डॉट सिग्निफाई करूंगा मैं, देखूंगा क्या डेटा आ रहा है, ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें। सो देखो ये डेटा आ चुका है यूजर के अंदर, यूजर्स,
ठीक है, इसके अंदर इतने सारा डेटा आ चुका है। अब जो ये डीओबी है ना, अब दिक्कत ये डीओबी जो है ये बेसिकली अलग तरीके से आ रही है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है चलो इसको भी कर लेंगे अभी। अब सबसे पहले आता हूँ यहाँ पर, पहले तो इस यूर को रेंडर करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा फिल्टर डेटा लिखा होगा कौन सा, ये वाला, विच इज ये वाला, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, अब इसका काम हो चुका है अपना। अब इसकी जगह क्या करना है मेरे को, ये डेटा है ना, इसका मुझे डेटा होना चाहिए, एंड डेटा के अंदर यूजर नाम की जो प्रॉपर्टी है ना, इसका हमें यूज करना है, विच इज यूजर्स नाम। ठीक है ये हो जाएगा। अब ये जो है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सबसे पहले आपके कंट्री ऑप्शन टेम्पलेट, यानी कि यहाँ पर जाएगा। ठीक है ऑप्शन डेट नेम ये वाला, और इसकी जगह क्या करना है बिल्कुल, एक बार चेक करते हैं ज़्यादा कहाँ पे, तो उसके लिए करूँगा यहाँ पर नेम पास कर दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पास कर दिया वाटर। ठीक है और एक काम करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं दोबारा से वही लगा रखता हूँ, यहाँ पर देते हैं ऑप्शंस। ठीक है ये चेक करने के लिए कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है यहाँ पर। ठीक है तो ऑप्शन नहीं था बेसिकली कंट्रीज था, यहाँ पर तो यहाँ पर कंट्रीज। सो चेक करते हैं पहले डेटा आगे से रहा। देखो जैसे मैंने किया तो ये जो टू टू लिखा हुआ है इसकी जगह मुझे करना है ये डीओबी लाना है। ठीक है और जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट कर दिया तो इसकी जगह जो डी डी आ रहा है तो ये सिलेक्ट होके आएगा। ठीक है तो मुझे ऐसे काम करना है, मुझे कैसे काम करना है मुझे पता चल गया। मुझे काम करना है कुछ इस तरीके से कि डेटा होना चाहिए, पहले तो डेटा के अंदर यूजर नाम से प्रॉपर्टीज हैं तो वो मुझे मिल जाएगी यहाँ से। तो ये मेरा ये कंट्री वाला तो ऑप्शन खत्म हो जाता है यहाँ से, तो मैं इसको रिमूव करूंगा, बट अभी नहीं कर रहा, अभी इसको सिंपल ऐसा करते हैं। ठीक है ये मैंने रख दिया। ठीक है अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, देखो ये आ गया डेटा, अब इसके अंदर सेलेक्ट करेगा पूरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है मुझे पता है इस चीज़ का, तो मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कराना नहीं है, मुझे सेलेक्ट कराना आईडी। ठीक है क्या करना है मेरे को, यहाँ पर सिलेक्ट करना है मेरे को, क्या देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले चाहिए मेरे को डेटा के अंदर, हाँ देखो ये वाला, इसके अंदर टू टू आ रहा है, इसकी जगह चाहिए एक लाइब्रेरी विच इज मूवमेंट नाम से। क्या इसमें मूवमेंट इंस्टॉल्ड है, क्या इसमें मूवमेंट है, नहीं है तो इंस्टॉल करते हैं एनपीएम आई मूवमेंट। मूवमेंट किस लिए होती है, डेट को फॉर्मेट करने के लिए, आप चाहो तो विदाउट उसके कर सकते हो, बट उसके कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें अच्छी तरीके से करना है, मतलब एक प्रॉपर दिखाना है। दिखाता हूँ कैसे दिखता है मूवमेंट, इनको रिमूव करेंगे अभी, अभी नहीं करते क्योंकि तो जल्द पड़ेगी उनकी। मूवमेंट जीएस देखो कुछ इस तरीके से होती है मूवमेंट जीएस, और ये बनी टाइम के लिए, मतलब आप जितना कस्टमाइज कर सकते हो टाइम को उस हिसाब से, मूवमेंट पे डेट पे पास करो और अपना जैसा काम करना है उस वैसा काम कर सकते हो। ठीक है तो मुझे यही काम करना है, जैसे डीओबी हो गया। ठीक है तो हमें यही चाहिए था, देखते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए चाहिए मेरे को क्या, कैलेंडर में लिया मेरे को, कैलेंडर नहीं चाहिए एल टी एस, यानी कि ये वाला चाहिए एल वाला। सो हमारा इंस्टॉल हो चुका होगा मे बी, हाँ इंस्टॉल हो चुका है। मुझे आना है अपने यहाँ पर, और ऑप्शन के अंदर मुझे पता है एक तो नेम मिल रहा है जो अच्छी बात है, कहाँ से मिल रहा है नेम बता देता हूँ आपको, तो नेम मिल रहा है मेरे को, देखो नेम मिल रहा है मुझे यहाँ से नेम। मुझे इसके अंदर से डी ओ बी चाहिए, तो डी ओ बी कहाँ पे आएगी, यहाँ पर, तो मूवमेंट, और मूवमेंट के अंदर पास करना है मुझे क्या, सबसे पहले न्यू डेट, क्योंकि न्यू डेट कंस्ट्रक्टिव से हम उससे करके जो डेटा आई उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे। ठीक है ये चीज मेक श्योर करना कि आप जब जब उसमें काम कर रहे हो, जब भी आपको डेट के ऊपर कोई परफॉर्म करना होता है ऑपरेशन तो आप ऐसे ही करते हो। यू कैन डी ओ बी, इसको मुझे फॉरवर्ड करना है किसमें, एल एल मतलब जो उसका कोई भी स्पेसिफायर है उस तरीके से। ठीक है ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा यहाँ पर, तो फ्लैग फ्लैग का कुछ ऑप्शन है नहीं, तो देखते हैं पहले क्या देखता है उसके बाद इसको बात करेंगे। ठीक है तो ये ब्राज़ील तो गया नहीं अभी, चलो इसको भेजता हूँ पहले ब्राज़ील। ये बोल रहा है अनडिफाइंड टू रीड लोअर केस, तो मैं इसको करता हूँ, जो कोड वाला सिस्टम है नहीं तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है इसको भी करते हैं, देखते हैं ये एक्चुअल ना एडमिन, देखो इसका डेटा बढ़ती आ गया, पुनीत का ही आ गया, और ये स्लैश था ना, स्लैश को रिमूव करके मुझे कुछ इस तरह से मार्क करता हूँ। ठीक है देखो ये आ गया, सिलेक्ट किया मैंने तो हरीश का आ गया। अब मुझे क्या करना है, हरीश का तो आ गया, हरीश का तो अच्छी बात है, अब मेरे को क्या करना है,
यहाँ पर नेम तो हो जाएगा, तो इसको फ्लैग को रिमूव करता हूँ। फ्लैग ब्लैक नाम कुछ है नहीं मेरे पास, ऑप्शन नेम है तो नेम भी अच्छी बात है, और इसको रिमूव करते हैं। इसमें कुछ क्लास नहीं देते हैं, जैसे कैपिटलाइज, नेम को कैपिटल करके दिखाएगा कैपिटलाइज, और इसमें ड्यू मिल रहा होगा हमें, तो यहाँ पर ड्यू भी लेते हैं, और ड्यू कैसे लेना कुछ इस तरीके से। अरे बोल रहे हो ड्यू भी क्यों ले रहे हो भाई, तो ड्यू भी इसलिए ले रहे हैं, मालूम पड़ेगा कि किस बंदे का हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं इस तरीके से। अब तो मान लो तुम्हें सर्च करना है एडमिन का, तो एडमिन लिया आपने, ठीक है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं कर रहा है, सर्च करेगा ये, ठीक है। और सर्च करने का तरीका ये है कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फिल्टर कैसे करता है, ठीक है। सो देखते हैं फिल्टर का, कि हमें फिल्टर किया कंट्री टेम्पलेट किया, ठीक है। और अगर हम डीओ वाले सिस्टम को रिमूव करें, तो अगर मान लो मैंने डीओ वाले रिमूव कर दिया तब भी काम नहीं करेगा, लाइक टेस्ट मान लो मैंने एडमिन किया तो ये भी काम नहीं कर रहा एडमिन से भी। और अगर मैं इसमें रिमूव कर तो भी, ठीक है। अब दबा लेते हैं इसको, इसका इलाज ये है कि आपको यहाँ पे आना है और पास करना है फिल्टर बाय, फिल्टर बाय इसके पास करना प्रॉपर्टी विच इज नेम नाम की, क्योंकि आप कर तो नेम नाम से रहे हो ना भाई। बोल रहा है भाई कैन नॉट मल्टीपल डिग्री सेम नेम, तो भाई हमने फिल्टर यूज किया ना कि पीएल, तो एडमिन के आ गया ना, देखो ये आ गया एडमिन। अगर मान लो पुनीत करना तो पुनीत का आ गया, ठीक है बोल, ठीक है ये हो चुका हमारा, तुम पुनीत करो कुछ भी करो। अब मान लो मैंने उस बंदे ने ना आइटम लिया है, आइटम 10 रुपये का था ये उसने ले लिया, और मैं इसका चेक करता हूँ इसका ब्यौरा क्या है, इनको रिमूव करेंगे अभी रुको, और मैं इसको चेक करता हूँ कि मैंने ऐड किया तो मुझे कुछ इस तरीके से यूजर का रिकॉर्ड मिला, DUB नेम ID, ये कोई नहीं, हम जब इसको डेटा को भेजेंगे तो वहाँ पर हम क्लीन करके भेजते हैं इसको, ठीक है। ठीक है तो ये हमारा हो चुका है, अब मुझे करना है इस डेटा को सेव करना है कहाँ पर, मैं डेटाबेस में, ठीक है। क्या हमें इतना ही डेटा करना है? हाँ यार देखो अभी तो मुझे इतना ही दिख रहा है कि आपको इतना डेटा करना है कि आपने ये लिया डेटा रिकॉर्ड ऐड किया, रिमूव करना रिमूव किया, और जो काम करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसमें कितने भी लगा लो तो ये सब काम करने वाले। अब इसकी शेप क्रिएट करनी थी हमें, तो शेप के लिए करूँगा दोबारा से टैब्स खोलूँगा वो सारे, ये वाला टैब, ठीक है। इसमें मुझे देखना कि इसका वैलिडेशन कैसे करता है, इसका वैलिडेशन कैसे किया जाता है, तो चलते हैं यहाँ पर, और मुझे करना है यप में आना। हाँ भाई आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, सबसे पहले यूजर का तो कुछ वैलिडेट करना ही नहीं, क्योंकि उसमें तो करना ही करना है कि वो रिक्वायर्ड है, और वो मिक्स टाइप का है क्या, मिक्स टाइप का, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट है ही वो मिक्स, ठीक है। और यूजर इज रिक्वायर्ड, एक हो जाएगा आइटम्स, और जो क्या हो यप डॉट एरे ऑफ एरे, जिसका हम क्या करेंगे देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर हमें, इसमें मिलता है क्लोन मिल रहा है, कॉन्केट मिल रहा है, कॉन्केट मिल रहा है, ये मिल रहा है। अरे हमें ये इतना कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें तो सिंपल चाहिए जो हम यहाँ से देख के कर लेंगे। खुल जाओ भाई, ये हमारा खुल चुका है, बट इसका कोड नहीं आया अभी तक, चलो कोड भी आ जाएगा। अब कोड लाएगा यहाँ से इंडेक्स डॉट जेएस में से, इसके अंदर हमें देखना है कि इसने एक तो ऑब्जेक्ट लिया जो शेप कर दिया जैसे हमने किया ही, ठीक है। मुझे ना इस ऑफ नाम की चीज को लेना है, और इसको हमें अपने कोड के अंदर जो का त्यो पेस्ट कर देना है, ये हमारा कोड पेस्ट हो चुका है, बट कुछ एरर्स के साथ, नेम था नेम भी हो चुका है, ठीक है। सबसे पहला होगा प्राइस, और इसमें क्या होगा नेम इज प्राइस इज प्राइस नहीं, सबसे पहले होगा आइटम का नेम, यानी कि नेम विच इज आइटम नेम इज रिक्वायर्ड, और सेकेंड वन होगा जल्दी यप है ना कि यप बड़ा वाला प्राइस, और प्राइस क्या होगा बेसिकली नंबर होगा, तो नंबर देते हैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड होगा ईमेल तो हुआ नहीं बेसिकली बात है, और मैं बोल दूंगा क्या प्राइस आइटम प्राइस रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, कैन नॉट फाइंड यप, ये हमारा काम करेगा लेट टेस्ट, ये कुछ ऐड तो नहीं दे रहा अभी, कल चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब मेरे पास कर दिया इसको, चेक छोड़ दिया मैंने, कोई काम नहीं कर रहा बेसिकली, तो नहीं काम कर रहा। सो आइटम्स दे दिया मैंने इसको, कि आइटम्स में हमें क्या चाहिए, ये डेटा चाहिए जिसमें नेम था एक प्राइस था, और ये रिक्वायर्ड भी भाई, ये रिक्वायर्ड भी है,
और कैसे कर रखा है इन्होंने देख लूँ पर। हाँ सेम काम इन्होंने किया बट इसमें रिक्वायर नहीं लगाया, शायद शेप कर दिया जो भी था उस हिसाब से। तो क्या तो मैंने वही है बट इसमें काम क्यों नहीं कर रहा भाई, ये बोल रहा है एरर, ये भाई बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट विद की प्राइस इफ यू मीन टू कॉल रेंटर चिल्ड्रन यूज एरे इंस्टेड। ठीक है भाई भैया ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है चलो देखते हैं इसको। तो इसके लिए कहना पड़ेगा जो हमारा एरर था, हमने एरर भी सेम काम किया था जो एड हमने यहाँ पे लगा हुआ है कि एरर का नेम दे दिया हमने और प्राइस दे दिया आइटम्स आई प्राइस। ठीक है आइटम्स में अपडेट ऑब्जेक्ट कर दिया हमने, इसमें शेप दे दिया ऑफ का, नेम दे दिया और प्राइस दे दिया। ठीक है स्प्रिंग होना चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए, और अब मैं इसको अगर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर जरा एरर देखो यार एरर ये अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर। आ गया एरर इसलिए आया, वही सेम बोल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट विद फॉर्म ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड, कौन सा वैलिड नहीं है कुछ दिखा दो देख कि कौन सी लाइन में एरर दे रहा है। सो मैं चेक करता हूँ कि कौन सी लाइन में दे रहा है, वैसे तो एरर बाउंड्री कर रहा है यू कैन दिस लोकल होस्ट चिल्ड्रन एरे इंस्टेड। ठीक है एक काम करते हैं इन एरर्स को बाद देखते हैं, चलो ठीक है इनकी वजह से टाइम लग रहा है इसको हम टैगल कर लेंगे, इतना जरूरी नहीं है कि एरर को टैगल करना में। और हम चेक करते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो डेटा सेव कर देंगे। भी ऐड दे गया सेम उसके लिए कि भाई ओके, तो ये बेसिकली यहाँ से नहीं आ रहा, ये एरर आ रहा है यहाँ से। सो मैं इसको क्या करता हूँ अपने के लिए ठीक कर देता हूँ कि भाई हो जाओ, ये एडमिन हो गया, ये हमें डाल दिया प्राइस ऐड किया तो डेटा मिल चुका मुझे, अगर मैं और करूँगा तो भी मिलेगा क्या, मुझे 3 रिकॉर्ड मिल रहा है। हाँ भाई 3 मिल रहा है, अब इसको ही सेव करते हैं जल्दी से। सो चलते हैं अपने बैकएंड के पास और देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं इसको। सो आते हैं बैकएंड में, एक रीड करूँगा क्या ऑर्डर्स डॉट राउट डॉट टी एस टी एस जी एस करना, और ये सेम काम होगा यहाँ पर मिडलवेयर का वैलिडेशन रहेगा, ठीक है वैलिडेशन रहेगा ऑथेंटिकेशन रहेगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट भी रहेगा कुछ इस तरीके से। इंडेक्स डॉट टी एस में आऊँगा मैं, कॉपी करूँगा पेस्ट करूँगा किसके लिए ऑर्डर्स के लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अपना ऑर्डर्स डॉट राउट डॉट टी एस सॉरी जी एस डॉट टी एस। ठीक है अब क्या करना है वैलिडेशन क्रिएट करना है, चलते हैं वैलिडेशन पास, यहाँ पे बोलता हूँ क्या ऑर्डर्स डॉट वैलिडेशन डॉट टी एस, यहाँ पर क्या करना है क्लास क्रिएट करना है, क्लास क्रिएट कर ठीक है मैंने भी, और क्लास में क्या होगा ऑर्डर वैलिडेशन। ठीक है ये हो गया ऑर्डर वैलिडेशन, इसमें स्टैटिक क्रिएट करते हैं किसके लिए क्रिएट ऑर्डर के लिए, क्रिएट ऑर्डर और वो क्या होगा एसिंक हो, एसिंक नहीं होगा सिंपल से एक एरे होगा, और यहाँ पर करना है मॉडल डॉट एक्सपोर्ट करना करना ऑर्डर वैलिडेशन। ठीक है ये हो जाएगा, अब मुझे करना है यहाँ पर आना है सबसे पहले यहाँ पर मुझे बॉडी रिटर्न करना है तो पक्की बात है, तो बॉडी से पहले आएगा ईजर, तो उसको तो एक मोंगो आईडी है मुझे पता है, तो इस मोंगो आईडी नाम से कुछ है क्या इसमें देखते हैं, तो ये मोंगो आईडी इज रिक्वायर्ड भाई रिक्वायर्ड है क्या नॉट एम्प्टी सॉरी मैसेज यूजर इज रिक्वायर्ड। ठीक है ये हो जाएगा, इसी के साथ मुझे एक चीज और चाहिए क्या एरे में आएगा, और वो एरे क्या होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि एक आइटम्स आएगा कि भाई उसने किस बंदे ने कितना आइटम लिया है, और उसका जो टैग होगा ना वो इस एरे होगा क्या होगा इस एरे। ठीक है अब एरे के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं क्या भाई इसमें देखते हैं कि कस्टम डिफॉल्ट बिल्डर इज इक्वल टू इफ एग्जिस्ट अल्फा एस्काई, चलो एक काम करते हैं इसको अभी के लिए नॉट एम्प्टी कर लेते हैं क्योंकि वो एरे एम्प्टी नहीं हो चाहिए, अगर एम्प्टी है तो ऐसे काम नहीं करेगा भैया। ठीक है और आइटम्स इज रिक्वायर्ड ये हो गया क्रिएट ऑर्डर के लिए, चलते हैं अपने ऑर्डर के पास, यहाँ बोलते हैं राउटर डॉट
पोस्ट, किसके लिए? पोस्ट के लिए। पहला क्या आएगा? क्रिएट के लिए, क्रिएट और डॉट पोस्ट, ये पास करना है मेरे को क्या? पहले तो पास करना है ये वाला क्रिएट पोस्ट, जो अपना वैलिडेशन स्कीम है, ठीक है? इसके बाद वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन हो गया। इसी के साथ पास करना है कंट्रोलर नाम, कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा, कंट्रोलर है नहीं इसमें, मैंने कर दिया क्या? ऑर्डर्स डॉट कंट्रोलर डॉट टी एस। और इसमें क्या करना है मेरे को, सिंपल सा कॉपीज करना है, एक मेथड ले लेंगे और इसी के अगर पेस्ट कर दिया मैंने, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद अगर मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना है, ये कर दिया मैंने एक्सपोर्ट, यहाँ पर हो गया ऑर्डर्स कंट्रोलर, ठीक है? इसको भी लेते हैं ऑर्डर सर्विस, क्लास ऑर्डर सर्विस, इसमें हम मॉड्यूल एक्सपोर्ट ऑर्डर सर्विस, ठीक है? ये हमारा हो चुका है। अब मुझे यह करना है, यहाँ पर आना है और इसमें देना है कि रजिस्टर कंज्यूमर नहीं आएगा, रजिस्टर ओनली क्रिएट ऑर्डर आएगा, स्टैटिक एसिंक क्रिएट ऑर्डर, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा क्रिएट ऑर्डर कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आएगा बॉडी, पहले आएगा यूजर, फिर आएगा बॉडी, और बॉडी में पता क्या क्या डेटा आएगा, एक आएगा आइटम और एक यूजर, ठीक है? अभी क्या होते हैं आइटम्स लेते हैं, से इतना क्या लेना उसको, या फिर एक तो यूजर वो वाला होगा जो रजिस्टर कर रहा है, ठीक है? एक यूजर ये होगा जिसके लिए कर रहा है, ठीक है? हाँ सही है। तो मुझे करना है आइटम नहीं, बॉडी करना है, ठीक है? कॉन्स्ट अभी अगर रिटर्न करते हैं क्या, जो भी डेटा आ रहा होगा उसको हम ऐसे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्रिएटेड आ जाएगा, और यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे, नाम क्या होगा, क्रिएट ऑर्डर होगा, ये हो जाएगा क्रिएट ऑर्डर, और ये सबना राउट था उसको भी चेंज कर देंगे, अब वो क्या होगा ऑर्डर कंट्रोलर डॉट क्रिएट ऑर्डर, ठीक है? अब आते हैं अपने डेटा के पास, और इससे बोलते भाई काम कर दो हमारा, अब वो काम क्या होगा वो हम बताएंगे इसको, क्वेरीज में आएंगे, मैं बोलूँगा ऑर्डर डॉट क्वेरी डॉट टी एस, यहाँ से कॉपीज कर दे थोड़ा सा, यहाँ से आ जाएगा क्या ऑर्डर एपीआई ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट में, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अपना ऑर्डर क्रिएट, और पोस्ट मेथड रहेगा, ठीक है? ये भी अच्छी बात है, पोस्ट मेथड में यूज किया हुआ है। देन इस चीज का क्या करना है मेरे को, यहाँ का एक हुक क्रिएट करना, तो उसके लिए मुझे नाम देना पड़ेगा एक क्रिएट ऑर्डर, चीज और देनी है हमें क्या, यहाँ पर हमें देना है क्या ये वाला विच इज हेडर्स, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, मैंने बोल दिया क्या यूज क्रिएट ऑर्डर म्यूटेशन, ठीक है? ये हमारा हेडर हो जाएगा और ये हमारा काम करेगा, इसको स्टोर को रजिस्टर करना पड़ेगा मेरे को अपने, यहाँ पर आते यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर्ड विद रिड्यूसर पाथ, ठीक है? इसके बाद रिड्यूसर, इसको मुझे कॉन्केट भी करना पड़ेगा मिडलवेयर के अंदर, तो मिडलवेयर ये हमारा हो चुका है। अब मुझे करना है डेटा स्टोर करना है बस, ये हमारा काम करेगा। इसके लिए करूंगा यहाँ पर आऊंगा, पहले जो हुक था उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और समथिंग फ्रॉम यूज क्रिएट ऑर्डर म्यूटेशन, जिसके अंदर मिलेगा क्या क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर रेस्पॉन्स, ठीक है?
और क्रिएट ऑर्डर में पास करना है मुझे क्या डेटा, कहाँ भाई डेटा, यहाँ से पास करना था, ये नहीं थोड़ा यहाँ से जो बॉडी है ना, मुझे पता बॉडी जाएगा यहाँ से डेटा, ठीक है, बट मुझे कस्टमाइज करना है स्ट्रेट अवे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई इससे कि एक तो होगा क्या यूजर नाम, जो क्या आएगा जो ई है ना इसके अंदर मिलेगा यूजर, इसके अंदर मिलेगा क्या अंडरस्कोर आईडी, व्हिच इज टोटली फाइन, मंगो आईडी चलेगी यहाँ से। सेकंड थिंग आएगा अपना आइटम्स, तो आइटम्स कहाँ से आएगा, आइटम्स आएगा ई डॉट आइटम्स, ठीक है, ओके कूल। या फिर काम करते हो कि जो भी ई बचा है उसको तुम पास कर दो जैसा का वैसा ही, और उससे पहले एक काम करते हो तुम इस ई को पहले पास कर दो, इसके बाद इस ई को तुम मैनिपुलेट कर देना अपने हिसाब से, ठीक है, बात एक ही कैसे भी कर लो, ठीक है। आप बोल रहे कि भाई यूज़ नहीं है तो इनको यूज़ कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, हो जाएंगे यूज़। सेट बिजी को और रेटिंग को हटा देना चाहिए, डेटा क्या है, डेटा को हम प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट करेंगे हम या हम टूस नहीं करेंगे, टूस में काफ़ी हैवी हो जाएगा डेटा, तो कंसोल डॉट लॉग डेटा, स्टोर में एक एरर दे रहा है कि बोल रहा भाई यूर एपीआई, ओके कोई न्यू एरर नहीं है, अब देखते हैं। मैंने एडवांस लेट किया, डाल दिया आइटम 10 रुपये 12, ये बोल रहा है पेज नॉट फाउंड, अभी क्या बोल रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट किया है ऑर्डर स्टेट, और हमने नाम क्या दिया, वहाँ पर नाम दिया मैंने क्या क्रिएट ऑर्डर ना कि क्रिएट, ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एस में क्या था, इंडेक्स डॉट चीज में वो ऑर्डर था, ठीक है, तो मैंने अपना नाम ही गलती किया, वहाँ पर ऑर्डर नहीं है ऑर्डर है, और वो ऑर्डर क्रिएट है। चलते अपने क्वेरी के पास, थोड़ा चेंज करते हैं इसको कुछ इस तरीके से, हाँ ये अभी काम करना चाहिए, 100% काम करना चाहिए। सो लेट्स सी, एडमिन दे दिया मैंने, ये डाल दिया, प्राइस डाल दिया 2 रुपये का कुछ, अब ऐड किया मैंने, अब बोल रहा है भाई पेज नॉट फाउंड किसमें, ऑर्डर्स और क्रिएट ऑर्डर में भी, क्या भाई ये तो है इसमें तो पेज, ये रहा ऑर्डर्स, इसके अंदर ऑर्डर्स क्रिएट में डॉट डॉट पोस्ट, ओके ओके ये रहा होता ना पोस्ट, ठीक है, माई मिस्टेक, आप सही हो गया, एक बार सही देखते हैं कि चला गई चला गई, ओके स्टार्ट हो चुका सर्विस को, अब देखते हैं इसमें ऐड किया मैंने, अब बोल रहा है कंज्यूमर सर्विस डॉट क्रिएट ऑर्डर इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, अब एरर सर्विस के मेरे कंज्यूमर सर्विस नहीं, मेरे तो ऑर्डर सर्विस है, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर सर्विस करना है यहाँ से, ठीक है, अब यूबीसी हो गया, अब आते हैं अभी करते हैं, हाँ यह जो रिटर्न ऑपरेटर क्या आ रहा है, यूजर जो मंगो आईडी का और आइटम्स, ठीक है, अब मुझे इसको सेव करने का अपने मंगो डी में, चलो करते हैं, आते हैं अपने मंगो डी में, विच इस यहाँ पर यूज करेंगे क्या ऑर्डर्स डॉट मॉडल्स डॉट टी एस, ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पर मुझे ईयर चाहिए, नेम नहीं चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए, डीओबी एड्रेस कुछ नहीं चाहिए, एक्टिव, हाँ एक्टिव चाहिए भाई, कि मान लो हमने मान लो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया ये चीज़ें, तो ये तो होना चाहिए मेरे पास रिकॉर्ड्स, और ठीक है इसी के साथ मुझे चाहिए क्या, ये हो गया यूजर, एंड एक चीज़ और चाहिए, वो चीज़ क्या आइटम्स, कि उसने क्या क्या आइटम परचेज किया, किस किस उसका, ठीक है, और वो एक एरे टाइप क्या होगा, टाइप एक एरे होगा, और एरे में अंदर प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कि नेम जिसका टाइप क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ट्रिम होगा, ठीक है, यूनिक उनिक कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक होगा ईमेल का प्राइस के लिए, टाइप क्या होगा, नंबर, नंबर दे लो स्ट्रिंग दे लो, तो नंबर दे दे, चलो पर अपने आप कन्वर्ट कर लेगा जिस हिसाब से कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे पास करने कॉमा, ठीक है, तो ये अपने उसमें आ जाएगा असली रूप में ये आ चुका, इसको हम रिसेट कर देते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट ऑर्डर्स मॉडल
स्क्वायर ऑफ ऑर्डर डॉट मॉडल, ठीक है, ये हो जाएगा अपना ऑर्डर मॉडल के लिए। स्कीमा दे दी हमने, मंगूस पास कर दिया, सब कुछ पास कर दिया। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर इसको सेव करना है, जैसा आ रहा उसका जैसे सेव करते हैं पास। सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले वैलिडिटी कुछ करना नहीं है, तो सिंपल ले लेंगे, क्या सिंपल लेंगे कॉस्ट समथिंग फ्रॉम बॉडी, या फिर काम करते हैं, एक तो यूजर हो गया कि किस चेक चीज और देखनी थी मेरे को, तो ये था कि हमने एक तो ये करती यूजर, ये किसके लिए था कि कौन बंदा रजिस्टर कर रहा है, बट एक होगा क्या अपना कंज्यूमर, क्या हो कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर तो होना चाहिए, किसके अगेंस्ट हम ये काम कर रहे हैं, अब पता ही नहीं हो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं हम, और अपने आप करे लग रहे हैं थोड़ा धैर्य धैर्य। अब मुझे चाहिए कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर, ठीक है, कि किस कंज्यूमर के अगेंस्ट हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड होना चाहिए एंड ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, तो देखिए अब आते हैं यहाँ पर और इसको हम क्लोज करते हैं। मैं बोलूँगा था कॉस्ट ऑर्डर इक्वल्स टू यूज नॉट यूज कंज्यूम ऑर्डर मोड, ये कहाँ से आएगा, नेम मोंगोडीबी से आएगा, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट जे एस में से, ऑर्डर मॉडल इसका नाम चेंज कर दे, तो ऑर्डर मॉडल आया, ऑर्डर मॉडल था इसको लिया मैंने, इसको मैंने पास किया, और बेसिकली एसिंक मेल होना चाहिए जब इसको कॉल कर पाएंगे, क्योंकि तो ये डेटा सेव करेगा, रिकॉर्ड डालेगा उसमें, इसमें मोंगोडीबी पे, तो यहाँ पर अपडेट पास करेंगे और डॉट क्रिएट, और क्रिएट में पास करना क्या यूजर, जो हमारा कहाँ से आएगा ये वाला, देन जो डेटा बॉडी के अंदर आ रहा है वो सेव पास कर देते, हो गया हमारा ऑर्डर क्रिएट, और तुम चाहो तो इसको सेव करो या मत करो, क्या बोलते हैं मैसेज ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुल, ये नहीं हो गया, ठीक है, देखते हैं कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, एडमिन के खिलाफ किया मैंने, यहाँ पे डाल दिया कि ये ऑर्डर जिसमें एक रुपये का था, अब बोल रहा भाई पाथ कंज्यूमर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑर्डर वैलिडेशन फील्ड, मतलब वैलिडेशन हो गया जिसमें हमें कंज्यूमर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर डालना पड़ेगा, और कैसे डालेंगे, कंज्यूमर कैसे डालेंगे कि इसको लेंगे, कंज्यूमर कॉपी करूंगा मैं, इसमें आऊंगा और बोलूँगा कंज्यूमर कहाँ से आएगा, कंज्यूमर आएगा बॉडी के कंज्यूमर से, बॉडी डॉट यूजर में से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ पर काम करना है किसमें, आइटम्स में, और आइटम्स कहाँ से आएगा बॉडी डॉट आइटम में से, ठीक, और देखते हैं, सो लेट टेस्ट, ऐड किया, ऑर्डर क्रिएट हो चुका है अपना मस्त तरीके से। अब मान लो मेरे पास एक होता है हरीश नाम का, जिसमें मैंने पास कर दिया ये इसका प्राइस ये था, हरीश नहीं जो भी है इसका प्राइस कर दिया मैंने 3 रुपये, इसका कुछ ये कर दिया, ये सेव किया, तो ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, और मोंगोडीबी में चेक करेंगे तो ये बोलना भी चाहिए था, तो चेक करते हैं मोंगोडीबी में, रिफ्रेश किया मैंने इन्वेंटरी में चलते हैं, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर ऑर्डर्स आ चुका है, व्यू करते हैं, ये देखो डेटा आ चुका है जिसमें हमने कंज्यूमर का आईडी दे दिया, भाई कौन सा कंज्यूमर था जिसके थ्रू कर रहे हैं, कितना आइटम था ये आइटम दे दिया, और सेम इसके देखो ये आइटम के लिए, ठीक है, तो इस रीजन में डेटा रिकॉर्ड सेव कर लिया। अब क्या करना है फाइनली, अब करना है कि देखो इसके हिसाब से कि शॉर्ट डेटा दिखाना है, शॉर्ट डेटा मतलब कि प्राइस को ऐड करके कि हमने कितना उसने गेट किया है, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे एक टेबल लगाएंगे, टेबल में क्या होगा बेसिकली नेम होगा एक उसका कि कितना उसने परचेस किया उस हिसाब से, और जो पहला आइटम हुआ उस आइटम को हमें शो कर, ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लेआउट क्रिएट करते हैं और इसको हम देख लेंगे अभी, तो ठीक है, और यहाँ पर आऊँगा मैं पेजेस में, यूजर्स में, ऑर्डर्स में आऊँगा, इंडेक्स डॉट पी एस एस में आऊँगा, यूजर के इंडेक्स में आऊँगा, यहाँ पर क्या करना है मेरे को टेबल बात ना, टेबल में कुछ चीज़ें कॉपी करनी है, जैसे कि कहाँ गया टी आर कहाँ गया, ओके है नहीं इसमें ले रहा, मुझे इसका ही चाहिए लोडिंग वाला स्टेट, बस लोडिंग है नहीं उसको हम बाद में टैगल करेंगे, बट इसमें अभी लेता हूँ कॉपी, चलते हैं अपने कंज्यूमर में, यहाँ पर पास करते हैं कुछ इस तरीके से,
यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ पर हम बोल देंगे क्या, फॉल्स। ठीक है, काम तो वही है, फॉल्स ही देना हमें स्टेटमेंट। ये फॉल्स से लोड देखेगा, नहीं तो ये है ही नहीं। लोड को इम्पोर्ट कर लेंगे, लोड को इम्पोर्ट ही जाएगा। अब बोल रहा है सिंटेक्स एरर कहीं से, तो मतलब देखना पड़ेगा कि सिंटेक्स एरर कहाँ आ रहा है भाई। सिंटेक्स एरर उसको रिमूव कर दिया, सिंटेक्स एरर मैं रिमूव कर दिया। अब देखते हैं कौन सिंटेक्स एरर देता है भाई। सो लेट ट्राई। ओके, आईडिया आ गया। एक चीज नेम, किस कंज्यूमर के अगेंस्ट हमने ये क्रिएट किया था, ठीक है, उसका ईमेल आ जाएगा। बट जब तक ईमेल की है तो नहीं, बट चलो डाल देते हैं, ये डालते हैं आइटम। और एक काम करते हैं, ईमेल को रिमूव करते हैं, आइटम डाल दिया, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना ईमेल डेटा, इतना नहीं करना, उसको हम शो कर देंगे ना उसके हिसाब से, मॉडल के हिसाब से। ये हो गया आइटम, प्राइस और एक्शंस। एक्शन में क्या बटन दूंगे हमारे, और इस सर्च ये लिख रहा है ना, ये को रिमूव करते पहले, क्योंकि यूज ही ना कर रहे हैं यहाँ पे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या, एड ऑर्डर। सेम फॉर सर्च ऑर्डर, तो ये हो जाएंगे ऑर्डर नाम से। ठीक है, तो हमें यही करना है। अभी हमारा क्रिएट हो ही रहा है, जिसमें हम मान लो कुछ भी सर्च कर ले, तो ये हो जाएगा। ये मान लो हमें दे दिया कुछ इस तरीके से, और करना है तो और भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। और अगर हम देखते हैं डीवी में, तो ये डीवी में स्टोर भी हो रहा है। रिफ्रेश करूँगा इसमें, देखो तीन आ चुका है। व्यू डॉक्यूमेंट करूँगा, ये तीन हो गया। यहाँ पर मैं जितना भी डेटा है उतना डेटा जाएगा। अब इसको बस पॉपुलेट करना है और अपने बग में शो करना है। सो गाइस, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, जिसके अंदर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया अपने ऑर्डर्स का क्रिएट मेथड, मतलब जितना क्रिएट करना था वो सारा कर लिया है। ठीक है, एक वैलिडेशन का एरर आ रहा है, तो वैलिडेशन को हम देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें देखेंगे कैसे हम वैलिडेट करते हैं इन चीजों को, वैलिडेट भी देखना है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को शो करेंगे, सर्च को क्रिएट करेंगे, ये सारे काम रहेंगे। एंड इसके बाद आ जाएगा हमारा स्टैटिक्स वाला पार्ट, जिसके अंदर क्या करेंगे, डेटा को शो करेंगे एज अ ग्राफिकल। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।